वक्त हम किश्तवाड़ संतन सड़क पर मौजूद हैं। इस सड़क की हालत काफी खस्ता थी और लोग बार बार ये मुतालबात कर रहे थे कि इस सड़क पर तारकोल बिछाया जाए। काफी ज्यादा मुतालबात करने के बाद अब MHIDCL ने इस सड़क पर तारकोल का काम शुरू तो किया है, लेकिन ये काम बिल्कुल तसली बख्श नहीं है। जी हाँ, इस सड़क पर नाकुस ब्लैक टॉपिंग हो रही है जो चंद दिनों के अंदर ही उखड़ सकती है। ब्लैक टॉपिंग से पहले जो सड़क पर पत्थरों का काम होना था वो ठीक ढंग से नहीं हुआ है। पत्थरों के बजाय मिट्टी बिछाई गई है और मिट्टी के ऊपर तारकोल डाला जा रहा है और तारकोल भी कश्मीर की तरफ से लाया जा रहा है। जो संतन टॉप से होकर गाड़ियां गुजरती हैं वो रास्ते में ही सेट हो जाता है। कुल मिलाकर इस सड़क में बिल्कुल ही नाकुस काम हो रहा है जो कि चंद दिनों के बाद ही दोबारा से उखड़ सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये काम हो रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पहलगवाड़ा की हैं। आप देख सकते हैं किश्तवाड़ अनंतनाग नेशनल हाईवे पे ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस ब्लैक टॉपिंग में किस तरह नाकुस मटेरियल यूज हो रहा है। आप इन तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं कि इसमें पत्थरों की जरा जगह सिर्फ मिट्टी बिछाई जा रही है और ये आप साफ देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी है। आप इन तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं कि किस तरह इस रोड में अभी जो है पानी है, मिट्टी है, पत्थरों की जगह जो है सिर्फ मिट्टी बिछाई हुई है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है BT का काम आगे की ओर बढ़ रहा है और किस तरह लापरवाही बरत रही है आवाम के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सिर्फ मिट्टी के ऊपर जो है ब्लैक टॉपिंग हो रही है। ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की। इस मिट्टी के ऊपर टॉपिंग जो है हो रही है। ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये किसकी लापरवाही है। ये जो कल ब्लैक टॉपिंग यहां से हुई है और आधे रोड को आप देख सकते हैं। और ये जो सारी गाड़ियां हैं ये कश्मीर से होते हुए संतन टॉप से होते हुए यहां तक आती हैं, जो कश्मीर से लगभग 5 या 6 घंटे का रास्ता यहां तक है। क्योंकि जब संतन टॉप को ये गाड़ियां क्रॉस करती हैं तो जो संतन टॉप का टेम्परेचर है वो मनफी है और आप देख सकते हैं कि ये जो तारकोल है पूरा ठंडा पड़ जाता है और 5 या 6 महीने के बाद ये रोड से उखड़ जाता है। ये तस्वीरें बयान करती हैं इस रोड को कि किस तरह मिट्टी के ऊपर जो है ब्लैक टॉपिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं 1 या 2 दिन पहले जो है यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई थी और कुछ गाड़ियां चलने के बाद जो है ये ब्लैक टॉपिंग पूरी तरह ढस चुकी है। ये तस्वीरें कहीं न कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर सवाल जरूर खड़ा करती है कि किस तरह आप लोग आवाम के पैसे को लूट रहे हैं। देखने के बाद लोग तो इसके खिलाफ आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस सड़क पर काम करने वाली एजेंसी को फौरी तौर हिदायत दे कि वो इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम ठीक ढंग से करें ताकि सरकारी खजाने से निकाले जाने वाली रकम जाया ना हो। कैमरामैन साजन कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील।
किश्तवाड़ संतान नेशनल हाईवे।